नमस्कार। अब हम सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। चार्ट के अनुसार सी क्लास स्टेशन अब डबल लाइन तथा सिंगल लाइन पर टॉक, मॉक तथा MACLS सभी सिग्नलिंग व्यवस्था में लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर दोहरी लाइन पर टॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्य सिग्नल्स वार्नर तथा होम दिखाए गए हैं। किसी भी सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की दो ही शर्तें होती हैं। ठीक पहले जाने वाली पूरी गाड़ी होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे चली गई हो और चलती चली जा रही हो, तथा पिछली गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सभी सिग्नल्स को उक्त गाड़ी जाने के बाद फिर से ऑन कर दिए गए हो। अब हम चार्ट के अनुसार दोहरी लाइन मॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। स्क्रीन पर दोहरी लाइन पर मॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्यतः सिग्नल्स डिस्टेंट तथा होम सिग्नल हैं। किसी भी सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की दो शर्तें होती हैं। ये शर्तें स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। अब हम चार्ट के अनुसार दोहरी लाइन पर MACLS व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। स्क्रीन पर डबल लाइन पर MACLS व्यवस्था में सी क्लास का स्टेशन दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्यतः सिग्नल्स डिस्टेंट तथा होम लगाए गए हैं। इस स्टेशन पर भी लाइन क्लियर देने की दो शर्तें होंगी, जिसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आइए अब हम चार्ट के अनुसार इकारे लाइन पर टॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या होंगी ये जानेंगे। सिंगल लाइन पर टॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्यतः सिग्नल्स वार्नर तथा होम लगे हैं। किसी भी सी क्लास स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लाइन क्लियर देने की दो शर्तें होंगी। ठीक पहले जाने वाली पूरी गाड़ी होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे चली गई हो और चलती चली जा रही हो, तथा पिछली गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सभी सिग्नल्स को उक्त गाड़ी जाने के बाद फिर से ऑन कर दिए गए हों, बशर्ते कि सिंगल लाइन पर दूसरी सिरे के ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक हट की ओर विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ियों से भी लाइन साफ हो। चार्ट के अनुसार अब हम सिंगल लाइन पर मॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। स्क्रीन पर इकहरी लाइन पर मॉक व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्य सिग्नल्स डिस्टेंट तथा होम है। इस स्टेशन पर भी लाइन क्लियर देने की मुख्य दो शर्तें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। ए क्लास स्टेशन बे ब्लॉक स्टेशन है, जहां किसी भी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वो लाइन होम सिग्नल के आगे कम से कम 400 मीटर तक या स्टार्टर सिग्नल तक साफ न हो। इन स्टेशनों को उस स्थान पर बनाया जाता है जहां गाड़ियों के फ्रीक्वेंसी कम होती है। स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट के अनुसार ए क्लास स्टेशन सिर्फ टॉक व्यवस्था में दोहरी लाइन या इकहरी लाइन पर होते हैं। इन स्टेशन पर मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल्स वार्नर
होम तथा स्टार्टर होते हैं। तो आइए चार्ट के अनुसार सबसे पहले हम दोहरी लाइन पर टॉक व्यवस्था में ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें जानेंगे। स्क्रीन पर डबल लाइन पर ए क्लास स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें मुख्य सिग्नल्स वार्नर, होम, स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर हैं। किसी भी ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की चार शर्तें होती हैं। ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, यानी जिस लाइन पर ट्रेन को एडमिट किया गया है उस लाइन से संबंधित फॉलिंग मार्क को क्लियर करके अंदर आ गई हो, उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स फिर से ऑन कर दिए गए हो, जिस लाइन पर ट्रेन को लेना है वो लाइन स्टार्टर सिग्नल तक साफ होनी चाहिए, उस लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए सभी पॉइंट्स सेट तथा फेसिंग पॉइंट्स को सेट तथा लॉक कर दिया गया हो। अब हम चार्ट के अनुसार सिंगल लाइन पर टॉक व्यवस्था में ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। स्क्रीन पर इकहरी लाइन पर ए क्लास स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें मुख्यतः सिग्नल्स वार्नर, होम तथा स्टार्टर लगे हैं। किसी भी ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की चार कंडीशंस हैं। डबल लाइन सेक्शन पर इस तरह की चार कंडीशंस हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आपकी सुविधा हेतु ये स्क्रीन पर फिर से दिखाई गई है। हमारे वीडियोस द्वारा आपको जानकारी हासिल करना आसान लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।